नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग फॉर एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए हमारा एक कोर्स डिजाइन है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वीवीए है, एक्सेस है, डैशबोर्ड्स है, सिक्वल है और कुछ पार्ट टैब्लू के है। तो ये क्लासेस हमारी जो होती है ऑनलाइन होती है, लाइव इंटरैक्टिव वन टू वन, जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं। तो टॉपिक को आगे शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं आपको कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं, घंटे का निशान होता है, उस पर आप क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके मोबाइल पे या आपके यूट्यूब जो भी आपके अकाउंट है उसमें अलर्ट आ जाए, तो आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े मेरी नई वीडियो को। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सेल वीवीए माइक्रो के थ्रू किस तरह से छोटे छोटे एप्लीकेशंस को ओपन किया जाएगा। जस्ट हम ओपन बात कर रहे हैं कि हम एक बटन हाइपरलिंक टाइप का, जैसे हम वर्ड चाहिए थे, आउटपुट चाहिए थे, क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, पावर पॉइंट चाहिए क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, लेकिन इसी काम को हम वीवीए माइक्रो के थ्रू करना चाहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैं छोटे छोटे वीडियोज बना रहा हूँ जिसमें छोटे छोटे माइक्रोस के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम इसी चीज पे आपके साथ कंसल्ट करने जा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट, और हम यहाँ से मॉड्यूल्स लेते हैं एक, और हम कोडिंग करेंगे यहाँ पे सब ओपन कैलसी, माइक्रो का नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, और यहां पे होगा एप्लीकेशन डॉट माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव माइक्रोसॉफ्ट ऐप की हम बात करेंगे, और जैसे करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स में आ जाएगा आपको। जैसे कि अगर मैं एक्सेस सेलेक्ट कर लूँ तो ओपन होते ही एक्सेस ओपन होगा, फॉक्स प्रो होगा, मेल होगा, पावर पॉइंट होगा, प्रोजेक्ट होगा, शेड्यूल प्लस होगा, वर्ड होगा, तो ये इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे जैसे कैलकुलेटर, तो उसके लिए आप जीरो डाल दीजिए, तो जैसे इसको रन करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए वन डाल दीजिए, आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं तो ओपन हो जाएगा वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो कहने का मतलब है कि कैसे पता, मतलब कि ये वन टू कैसे याद रखेंगे। एक तो है कि आपको यहाँ पे नीचे इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि एक्सप्रेशन ना आए, तो आप लोग जो है नोट कर सकते हैं इसमें कि एक्सेस के लिए 4 डालेंगे, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट फॉक्स प्रो के लिए 5, मेल के लिए 3, पावर पॉइंट के लिए 2, प्रोजेक्ट के लिए 3, शेड्यूल प्लस के लिए 7 एंड एमएस वर्ड के लिए 1, 0 कैलकुलेटर के लिए। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। ये आपको एक्सेल हेल्प 2007 आपके पास होगा, तो उसके एक्सेल हेल्प से आपको सर्च करने से मिल जाएगा। तो बट इसको जैसे मैं मान लीजिए कैलकुलेटर कर दिया, अब मैं इसको एक बटन पे असाइन करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, अपने एक्सेल सीट पे आऊंगा और यहां पे इंसर्ट में एक बटन बना देता हूं, और फिर मैं इस माइक्रो को सिलेक्ट करके ओके करता हूं। अब यहां पे मैं ओपन कैलसी, जैसे इस पर क्लिक करूंगा आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। आप चाहते हो कि ओपन करने से पूछे, तो यहां पे आप इनपुट बॉक्स लगा सकते हो 0 की जगह पे, कि इनपुट बॉक्स डाल लीजिए कि एंटर एप्लीकेशन इंडेक्स नंबर। अब जैसे ये हम इसको क्लिक करेंगे तो मुझसे पूछेगा, मैंने 1 लिख के ओके कर दिया तो फिर ये वर्ड को ओपन करेगा, 0 लिखूंगा तो कैलसी को ओपन करेगा। तो इस तरह की चीजें करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो आप भी अगर पूरी कंप्लीट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो
तो हमारी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हम गो टू मीटिंग के जरिए, वेबिनार के जरिए हम ट्रेनिंग लेते हैं, जिसे मेरी लाइव कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखता है, लाइव मुझसे बातचीत करते हैं एकदम क्लासरूम की फैसिलिटी की तरह, जिसमें हम क्लास के बाद रिकॉर्डिंग भी देते हैं और रीज्वाइनिंग की फैसिलिटी भी देते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है रीज्वाइनिंग। आपको अगर फीस वगैरह जमा करनी है तो फर्स्ट टाइम ही करनी है, उसके बाद अगर आप रिपीट करते हो, क्योंकि एक बार में VVMI को सीख पाना मुश्किल है, अगर आप सीख भी जाते हो तो अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो इन फ्यूचर में भूल सकते हो। तो रीज्वाइनिंग का ऑप्शन हमारे लिए फ्री है, या फिर आप हमारी DVD परचेज कर सकते हैं। इन सब के लिए मेरी वेबसाइट IPTIndia.com पे जाइए, वहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों को पॉपुलर करने की कोशिश कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अपने यूट्यूब पेज पे भी इसको डालने की कोशिश करें। और साथ में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट ना करें, क्योंकि कमेंट के जरिए और चीजें दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट के जरिए ना पूछे, क्योंकि मैं हर किसी का कमेंट नहीं देख पाता हूँ, कि मेरे पास तकरीबन हर दिन नहीं देख पाऊंगा, आपको तुरंत जवाब नहीं मिलेगा, जवाब मिलने में टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए अपना नंबर दे रखा है, नंबर डायल करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर हमारी डेमो क्लास लेनी है तो जाके वेबसाइट पे डेमो क्लासेस का फॉर्म भरिए और डेमो क्लासेस लीजिए, फिर वो दिक्कत हो फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।